नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फेरोज XT टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, फेरोज XT टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और फेरोज XT टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि फेरोज XT टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और यह भी जानेंगे कि शरीर में खून की कमी होने पर क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। फेरोज XT टैबलेट का उपयोग शरीर में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने पर किया जाता है, यानी शरीर में आयरन की कमी की वजह से खून की कमी होने पर या खून की कमी को होने से रोकने के लिए फेरोज XT टैबलेट का उपयोग किया जाता है। फेरोज XT टैबलेट शरीर में खून की कमी को पूरा करती है और शरीर की कमजोरी को दूर करने में मदद करती है। शरीर में खून की कमी को मेडिकल भाषा में एनीमिया भी कहते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी डॉक्टर फेरोज XT टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान आयरन और फॉलिक एसिड की अधिक आवश्यकता होती है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई महिला पर्याप्त मात्रा में आयरन का सेवन नहीं करती है तो प्रेग्नेंट महिलाओं में खून की कमी हो सकती है। फेरोज XT टैबलेट के अंदर आयरन के साथ साथ फॉलिक एसिड व विटामिन B12 भी मौजूद होता है। शरीर में फॉलिक एसिड या विटामिन B12 की कमी होने पर भी खून की कमी हो सकती है। फॉलिक एसिड शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है, जिसकी वजह से शरीर को एनर्जी मिलती है। प्रेग्नेंट महिलाओं में बच्चे के विकास के लिए भी फॉलिक एसिड बहुत ही जरूरी होता है। विटामिन B12 शरीर की नसों और ब्लड सेल्स को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर शरीर की नसों में दर्द व शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी व थकान रहने की समस्या हो सकती है। फेरोज XT टैबलेट के अंदर जिंक भी मौजूद होता है। जिंक शरीर के इम्यून सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। फेरोज XT टैबलेट का सेवन महिलाएं व पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि शरीर में खून की कमी होने पर क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। शरीर में खून की कमी होने पर शरीर में बहुत ज्यादा थकान होना, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी होना, त्वचा और आंखों में पीलापन होना, उठते या बैठते समय चक्कर आना, हाथों व पैरों का ठंडा होना, सिरदर्द रहना, छाती में दर्द होना, नाखूनों का कमजोर होना व नाखूनों का आसानी से टूटना, शरीर का तापमान कम रहना, सांस लेने में तकलीफ होना, सांस फूलना और दिल की धड़कन का तेज होना आदि लक्षण शरीर में खून की कमी होने पर हो सकते हैं। इसके अलावा मिट्टी या कागज खाने की इच्छा होना आदि लक्षण भी शरीर में आयरन की कमी होने पर भी हो सकते हैं। यदि कोई छोटा बच्चा ज्यादा मिट्टी खाता है तो ये लक्षण शरीर में आयरन की कमी होने पर भी हो सकते हैं। शुरुआत में ज्यादातर व्यक्तियों में खून की कमी होने पर कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन जब शरीर में एनीमिया की गंभीरता बढ़ती जाती है वैसे वैसे एनीमिया के लक्षण भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए और शरीर में कमजोरी को दूर करने के लिए डॉक्टर फेरोज XT टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में फेरोज XT टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में फेरोज XT टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। फेरोज XT टैबलेट की वजह से कुछ व्यक्तियों में कब्ज होना या दस्त होने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में फेरोज XT टैबलेट की वजह से उल्टी आने का मन होना, बदहजमी या सीने में जलन होना और पेट में दर्द हो सकता है। आम तौर पर ये साइड इफेक्ट्स अस्थाई होते हैं और जैसे जैसे आपका शरीर फेरोज XT टैबलेट के साथ तालमेल बनाता है वैसे वैसे ये साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाते हैं। यदि इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट्स लगातार बना रहता है या ज्यादा होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। फेरोज XT टैबलेट की वजह से टट्टी का रंग ब्लैक हो सकता है। फेरोज XT
टैबलेट की वजह से टट्टी का रंग ब्लैक होना एक सामान्य बात है और यह कोई नुकसानदायक नहीं होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि फेरोज XT टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। फेरोज XT टैबलेट को खाना खाने से एक घंटे पहले या खाना खाने के दो घंटे बाद लेना रेकमेंडेड होता है। फेरोज XT टैबलेट को लेने के बाद कम से कम 20 मिनट तक आपको लेटना या सोना नहीं चाहिए। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर फेरोज XT टैबलेट को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। ज्यादातर प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर फेरोज XT टैबलेट को प्रेगनेंसी के पहले 12 सप्ताह यानी प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने पूरे होने के बाद ही फेरोज XT टैबलेट को शुरू करने की सलाह देते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने के अंदर प्रेग्नेंट महिलाओं को उल्टी आने का मन होना या मूंग का स्वाद खराब होना आदि समस्याएं अधिक होती है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर प्रेगनेंसी का चौथा महीना शुरू होने के बाद ही फेरोज XT टैबलेट को शुरू करने की सलाह देते हैं। लेकिन यदि किसी प्रेग्नेंट महिला को एनीमिया की गंभीरता ज्यादा है तो डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रेगनेंसी की शुरुआत से भी फेरोज XT टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। फेरोज XT टैबलेट की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको फेरोज XT टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि फेरोज XT टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। डॉक्टर फेरोज XT टैबलेट के साथ विटामिन सी की टैबलेट या विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों जैसे टमाटर, आंवला, संतरा, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, अमरूद और कीवी आदि को खाने की सलाह दे सकता है, क्योंकि विटामिन सी शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से फेरोज XT टैबलेट की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। आयरन के साथ चाय, कॉफी, साबुत अनाज, अंडे और दूध या दूध से बने खाद्य पदार्थों को खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से शरीर में आयरन का अवशोषण कम हो सकता है। शरीर में एनीमिया की जांच कराए बिना फेरोज XT टैबलेट को ज्यादा लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शरीर में एनीमिया होने के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे शरीर में हीमोलिटिक एनीमिया होना, अप्लास्टिक एनीमिया होना और साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया होना। अगर आपके शरीर में खून की कमी किसी अन्य कारण की वजह से है और आप शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना ही लगातार कई महीनों से फेरोज XT टैबलेट को ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फेरोज XT टैबलेट को लेने से शरीर में आयरन की ओवरडोज हो सकती है। शरीर में आयरन की ओवरडोज लिवर, हार्ट, ब्रेन और शरीर के अन्य ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना ज्यादा लंबे समय तक फेरोज XT टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। फेरोज XT टैबलेट के साथ पेट में गैस व एसिडिटी कम करने वाली एंटासिड दवाइयां, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स, थायराइड की टैबलेट और पार्किंसंस डिजीज में उपयोग होने वाली लेवोडोपा टैबलेट के साथ फेरोज XT टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि इन दवाओं के साथ फेरोज XT टैबलेट को लेने से दवाइयां आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से दवा की प्रभावशीलता कम हो सकती है या साइड इफेक्ट्स होने का भी जोखिम अधिक हो सकता है। अगर आप इनमें से कोई भी दवा लेते हैं तो आपको फेरोज XT टैबलेट और इन दवाओं में कम से कम 2 से लेकर 3 घंटे का गैप रखना चाहिए। अगर आप अपने शरीर में खून की कमी को प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से पूरा करना चाहते हैं, तो आपको आंवला, जामुन, अनार, चुकंदर, सेब, पालक, सूखी किशमिश, अमरूद, केला, बादाम, काजू, अखरोट, तिल, गुड़ और मूंगफली आदि का सेवन पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इनमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इनका नियमित रूप से सेवन शरीर में खून की कमी को दूर करता है और शरीर में खून की कमी होने से बचाव करता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका फेरोज XT टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।